सरमथुरा रोड पर जल भराव और गड्ढों से आए दिन हो रहे राहगीर चोटिल, इस सड़क से निकलना हुआ मुश्किल। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा से निकलने वाले नेशनल हाईवे बाईपास सरमथुरा रोड का है पूरा मामला। काफी लंबे समय से जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते राहगीरों का यहां से निकलना दुश्वार हो रहा है। स्थानीय नागरिक शिकायत कर के परेशान हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस सड़क मार्ग से दोपहिया वाहन और पैदल राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। स्थानीय नागरिक विजय दीक्षित ने बताया कि यह गड्ढे मुख्य सड़क मार्ग के बीचों बीच स्थित हैं, जिसमें हमेशा नाले का गंदा पानी भरा रहता है। जब कोई बाइक सवार रास्ते से निकलता है तो यदि उसने बीच सड़क से होकर गाड़ी निकाली तो गड्ढे में गिरना तय है। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने उपखंड प्रशासन, नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह का कहना है कि गड्ढों को लेकर कई बार भराव कराया गया है, लेकिन मुख्य स्थान पर पानी भराव होने के चलते परेशानी हो रही है। जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। बीबीएन ब्यूरो के लिए मलिक इमरान की रिपोर्ट। हाँ बताएं, क्या समस्या आ रही है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? विजय कुमार दीक्षित, स्थानीय नागरिक हूँ यहाँ का जी। इसको कम से कम 10-5 साल हो चुकी है, काफ़ी बार हम इसकी शिकायत कर चुके हैं और PWD ने इसका कम से कम 7-8 महीने हो गए। ठेकेदार है उसको 6 करोड़ रुपए का नाले का और इस पर RCC का ठेका PWD तरफ से उनको मिल चुका है और 3 महीने से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। ना तो नाला ही बना रहे, ना इस पर CC डाल रहे, ना कोई यहाँ कोई मरम वगैरह डलवा रहे। आम पब्लिक, आम रास्तागीर, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं गोंटू गोंटू तक। इसमें यहाँ तक बाइक सवार निकलते हैं, वो भी चोटिल होती रहती होंगे अक्सर। लगभग कितने चोटिल हो गए होंगे यहाँ? कम से कम 100-200 आदमी अब तक चोटिल हो चुका है। काफ़ी महिलाएं बेचारी परेशान हो रही हैं, गिर पड़ती हैं मोटरसाइकिलों पे से, गाड़ियों पे से, और अपने उनका कोई सुनने वाला है नहीं। काफ़ी बार हम शिकायत भी कर चुके हैं इसकी। किस किस को आप शिकायत कर चुके हैं? प्रशासन को, ये नगर पालिका को भी कर चुके हैं, PWD वालों को कर चुके हैं, और ऊपर भी फैक्स इसका हमने दे दिया है काफ़ी बार, पर इसकी कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हमारा तो यही निवेदन है कि आम पब्लिक, स्वच्छ भारत जब प्रधानमंत्री साहब चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत की उन्होंने वो नीम रखी है, ये स्वच्छ भारत के अंदर ही आता है। यहाँ पर आम नागरिक रोजाना चोटिल गिर पड़ रहे हैं, महिलाएं बच्चे निकलने तक पैदल के लिए तो रास्ता ही नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। क्यों कि पानी 24 घंटे यहाँ भरा रहता है। ये हमने 10-15 ट्रॉली अभी अपनी तरफ से डलवाई है ये वाली, तो ये फिर भी कोई इससे समस्या सॉल्व नहीं हुई है। जब तक इसमें CC नहीं डलेगी जब तक इस समस्या का कोई। ठेकेदार क्या कह रहे हैं काम करने? ठेकेदार 3 महीने से मना कर रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं नहीं काम करूँगा। और जबकि उसने 6 करोड़ का ठेका ले लिया है इसका, और उससे हम काफ़ी बार कह चुके हैं अपनी तरफ से, अब वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहता है कि कहीं भी शिकायत कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा। हाँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुष्टिकरणवादी सरकार गई, ये मोदी की गारंटी वाली भाजपा सरकार है। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के शासन उप सचिव अनिल कुमार शर्मा ने आदेश निकाला है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संदर्भ में राज्य के समस्त राजकीय एवं अराजकीय मंदिरों में विशेष सजावट, विद्युत रोशनी सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएं, साथ ही समस्त मंदिरों एवं मंदिर परिसरों की साफ सफाई तथा दीपक जलाने के लिए गांव की मिट्टी अथवा गाय के गोबर के दीपक का प्रयोग किया जाएगा। मंदिर परिसर में सत्संग, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाना है, साथ ही अयोध्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। मंदिर में विशेष आरती एवं श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा तथा आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण भी होगा। आदेश में कहा है कि मुख्य मंदिरों के आसपास
होर्डिंग एवं बैनर लगवाए जाएंगे। SC/ST एक्ट में 3 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार, कंचनपुर की प्रमुख खबर। कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए SC/ST एक्ट में आरोपी सुनील ठाकुर निवासी कुरेंदा थाना कंचनपुर को, जो 3 माह से फरार था, गत दिवस गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा के साथ मान सिंह हेड कांस्टेबल, होतम सिंह, संजय कुमार एवं ओम सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। अवैध कारतूस के साथ एक पकड़ा एवं अन्य हार्डकोर अपराधी को हरियाणा पुलिस को सौंपा, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। गत दिवस हरियाणा पुलिस एक हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अपराधी रामदत्त को गिरफ्तार करने आई थी, जिसे राजाखेड़ा थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा के नेतृत्व में पुलिस पार्टी के सहयोग से गिरफ्तार कर हरियाणा पुलिस को सौंपा गया। एक अन्य अपराधी रोहित सिंह को 4 अवैध जिंदा कारतूस ले जाते हुए भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजाखेड़ा थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा के साथ उदयभान सिंह, ASI सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल प्रशांत, रिंकू, राम लखन एवं श्री कृष्णा कांस्टेबल शामिल रहे। वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचे, धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 13 जनवरी 2024 को और अल सुबह वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े सेवानिवृत्त के साथ कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेवलेट पेकार्ड एंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष जयवर्धन सेमवाल भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पहुंचे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में पधारे। यहां उन्होंने HP के द्वारा नवनिर्मित डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात वे विद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैप्टन राकेश शर्मा स्टेडियम में पधारे। वहां उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच एक AAIN बाल मैच का आनंद लिया। तत्पश्चात सभी रेजिडेंशियल ब्लॉक के मेडिकल रूम में पधारे और मुख्य अतिथियों ने अपने कर कमलों से एक हेल्थ ATM का उद्घाटन किया, जिसके प्रारंभ होने से विद्यालय में बीमार हुए छात्र और छात्राओं के साथ साथ सभी स्टाफ के करीब 75 से 80 टेस्ट कर संबंधित बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तत्पश्चात सभी विद्यालय के विवेकानंद ऑडिटोरियम में पधारे, जहां पर एडम ऑफिसर मेजर लेथिन के व प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने गर्मजोशी से एक बार फिर सभी अतिथियों का स्वागत किया और मुख्य अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्य में छात्रों को पढ़ाई के लिए पुरजोर मेहनत करने के लिए कहा। इसके उपरांत प्रधानाचार्य ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों को विद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। At the outset, I would like to thank Mr. Jayavardhane and his team, Mr. Sushil Bhatia, for extending us this technical support. I'll say it's a boon in this this school, because this gives us a technical advantage, not only to students but also to teachers. Right? So I think I must say you all children are blessed to have been given this opportunity. So what you need to do is utilize this great facility which has been come to you. You must make sure that you utilize it very well, and something this opportunity which will give you, you will never get again at this age, at this particular time. So I think this is where I am.
वेरी ब्लेस्ड. आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद गुरुमारे सर इन आरएमएस बैंगलोर व्हेन वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव फर्स्ट फ्यू मंथ्स बैक एंड देन वी डिस्कस्ड दैट लेट्स लुक एट अदर आरएमएसेस आल्सो. एंड व्हेन आई वाज डूइंग दिस इवेंट विद आरएमएस बैंगलोर व्हाट कॉट माय अटेंशन एंड हार्ट is the motto that this institution has, a very, very powerful motto, which says Shilam Param Bhushanam. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में विवेकानंद जयंती पर मनाया गया कैरियर डे व युवा महोत्सव. धौलपुर की प्रमुख खबर. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस करियर डे के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक एवं जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा ने की और संचालन अध्यापक गंगाराम गुर्जर ने किया. कैरियर डे अवलोकन के लिए ढालचंद गुप्ता, उप निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, अंजलि सिंह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा धौलपुर, संवलन के लिए विशाल गुप्ता, एपीसी समग्र शिक्षा अभियान धौलपुर एवं राजेंद्र शर्मा कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा धौलपुर उपस्थित रहे. इस मौके पर उप निदेशक गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया. कार्यक्रम में विभिन्न विषयों की जानकारी देने के लिए वार्ताकार डॉक्टर दीपक शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय पचगांव डॉक्टर मोहित शर्मा, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव अमित, सविता व्यावसायिक ट्रेनर उपस्थित रहे. अतिथियों का प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने स्वागत किया. उन्होंने इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. विद्यालय के गंगाराम गुर्जर, पंकज कुमार, सुष्मिता सिंह, निक्की बाई मीणा आदि शिक्षकों ने करियर के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया. इस मौके पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता कराई गई. कार्यक्रम में विकसित भारत शपथ एवं मतदाता जागरूकता शपथ का आयोजन बीएलओ अरुण कुमार छारी व ज्वाला प्रसाद त्यागी द्वारा कराया गया. इस मौके पर रूपम शर्मा, महादेवी बघेला, कमलेश शर्मा, निक्की बाई, मनोरमा, रश्मि कुमारी, रविंद्र कुमार शर्मा, अरुण कुमार छारी, गंगाराम गुर्जर, ज्वाला प्रसाद त्यागी, रमाशंकर गुप्ता, पंकज कुमार, ब्रजलता आदि शिक्षक मौजूद रहे. और ऐसा परिवार आपके साथ है जो आपके विद्यालय में आता है? आप भी देखते हो कई पुरुष टीचर के साथ साथ मैं टीचर भी है, आपको पढ़ाने वाली है कि नहीं, तो कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपनी जो शक्ति है वो केवल पॉजिटिव क्षेत्र में लगाना है. कोई भी क्षेत्र चुने, आप कुछ भी करें, आप गलत रास्ते पे ना लगे, ये टाइम जो है आप उसका अच्छे से उपयोग करें और आगे बढ़ें. मेरी वजह से आपके लिए ये शुभकामनाएं आगे के लिए, आप बेहतर और बेहतर करें. वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे. जय हिंद. जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन. कंपटीशन में अनन्या एक्सपो कंपनी प्रथम. जयपुर की प्रमुख खबर. सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन सेंटर में जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं. गारमेंट एग्जीबिशन के माध्यम से जयपुर के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को एक नई ऊंचाई मिलेगी. उप मुख्यमंत्री ने एक्सपो में विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया. किस दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे. दो दिवसीय इस
फैशन एक्सपो में महिला परिधानों के देश विदेश से आई निर्माता भाग ले रहे हैं। इसमें नेपाल, यूएसए, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा आदि जगहों से आए निर्माता अपने यहाँ के परिधान प्रदर्शित कर रहे हैं। देसी और विदेशी मॉडल रैप बुक के जरिए समर फैशन लुक को मंच पर दिखाएंगे। प्रमुख व्यवसायी महेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 65 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें अनन्या एक्सपो प्रथम स्थान पर रही। कार्यक्रम में अभिनेत्री तारा सुतारिया एवं गायक गुरु रंधावा मौजूद रहे। आकलन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का किया आकस्मिक निरीक्षण, शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना मुख्य ध्येय, उपनिदेशक। धौलपुर की प्रमुख खबर, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षक प्रशिक्षण के 5 दिवसीय शिविर का उपनिदेशक व्यावसायिक शिक्षा जयपुर डालचंद गुप्ता ने आकस्मिक निरीक्षण किया। महाराणा विद्यालय धौलपुर में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में शिविर प्रभारी प्रधानाचार्य रणवीर सिंह रावत एवं कार्यक्रम अधिकारी मुकेश नगाइच ने उपनिदेशक व्यावसायिक शिक्षा को समस्त जानकारी दी। उपनिदेशक ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षा शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार एवं विभागीय मंशानुरूप कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम सभी का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना होना चाहिए। धौलपुर के ब्लॉक स्तरीय 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण की उपनिदेशक व्यावसायिक शिक्षा ने सराहना की। शिविर प्रभारी व्यवस्थापक रावत एवं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक राकेश कुमार शर्मा, ब्रजेश पचौरी, युगल किशोर पाराशर एवं मोहर सिंह ने प्रशिक्षण के गुरों से रूबरू कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी मुकेश नगाइच ने भी संभागियों को संबोधित किया। फिर आप उनको लो कैसा, ये किताबों में थे पर सब कोई पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे होते थे, मैं पढ़ रही थी, मेहनत नहीं कर रहा था, और ये सब पढ़ रहे होते थे, मेरा मेहनत का रेट 100% क्यों होता हर साल, ऐसी चीज़ें तोड़ो, कुल मिला के प्रिंसिपल साहब को तोड़ लो, ऑफिसर मिला लो, और प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं मैं साहब आपको लिखाओ, कोई आएगा तो मैं करूँगा, ये बात करूँगा दी बात। अपने बच्चे जब पढ़ते हैं घर पे नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारे में, तो कुछ लिख के कुछ पोस्ट लगा के टाइम टेबल बना के जो कार्य दीवार आपकी खराब हो रही है। दोपहर से धूप निकलने के बाद बाजार में बड़ी रौनक, दुकानों पर भीड़ से लगने लगा जाम। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, दोपहर के बाद धूप खुलने के कारण बाजार में रौनक बढ़ने लगी तथा ग्रामीण जन भी खरीददारी करने पहुंचे तथा दुकानों पर भीड़ लगने लगी, लेकिन बाजार के अंदर दो पहिया चार पहिया वाहनों के कारण इतना जाम लगता रहा कि आवागमन करने वाले पैदल लोगों को जाम की स्थिति से गुजरना पड़ा। इसके साथ साथ ही भीड़ के अंदर आवारा पशु भी घूमते हुए नजर आए। राजाखेड़ा प्रशासन बाजार के अंदर जाम की स्थिति एवं आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने में नाकाम सिद्ध हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि बाजार खुलने के समय अंदर जाने से चार पहिया वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे एवं आवारा पशुओं को भी बाजार में जाने से रोकने की व्यवस्था करें। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदैनिया एवं प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, धौलपुर की प्रमुख खबर। नेशनल युवा केंद्र धौलपुर के तत्वाधान में आज युवा सप्ताह के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉ आरसी मीना रहे। विशिष्ट अतिथि रॉयल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विनय कुमार जैन, लकी जैन रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिंगिंग व डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जजों द्वारा सिंगिंग नृत्य प्रतियोगिताओं का निर्णय किया। स्वामी विवेकानंद हाउसिंग बोर्ड युवा मंडल अध्यक्ष
सारांश अग्रवाल ने बताया कि डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कनिष्का गर्ग, द्वितीय स्थान पर दुयुति शर्मा, तृतीय स्थान पर प्रियंका रही। इसी प्रकार सिंगिंग प्रतियोगिता में अभिषेक प्रथम स्थान पर, अनुज शर्मा द्वितीय स्थान, रितुल जैन तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों द्वारा विजेताओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। इच्छा पूर्ति फाउंडेशन ने बंदर बाबा की मृत्यु होने पर 16वीं मनाई। बाड़ी की प्रमुख खबर, आज इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा बंदर बाबा की 16वीं के उपलक्ष में 16वीं संस्कार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज से लगभग 15 दिन पूर्व 30 दिसंबर 2023 को बटवाल पाड़ा में आपसी लड़ाई में बड़ के पेड़ से गिरकर बंदर के सिर में चोट लगने के कारण हेड इंजरी हो गई थी। स्थानीय निवासियों ने बंदर बाबा की देखभाल के लिए उनका इलाज कराया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी बंदर प्रेमी बंदर बाबा को बचा ना सके। इसके निमित्त आज बाड़ी से लगभग 70 किलोमीटर दूर बंद बरेठा घड़ी बाजना नर्सरी बयाना की तरफ बंदर बाबा एवं लंगूर बाबा को गुड़, चना, केला, इलायची दाना खिलाकर बंदर बाबा की 16वीं की एवं भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि मृतक बंदर बाबा को अपने चरणों में स्थान दें। आज की सेवा के समय इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के रामू चौधरी, विदित बंसल एवं स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। डर तो लग रहा है, बने ये वीडियो में जाओ, बने ये एक उस पे बन रहा है थे कि हीरो बन बंदर आगो बंदर आओ आओ बंदर आ जा ए नो बंदर डंडा ले बंदर 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 बोलो ए वीडियो ना वीडियो चलाना ना बंदर है बोलो ए गोले खाया हुआ है तो ले आना गोले लंबो को दे दी आलू।